आज मैं वर्क करने वाली हूँ मेरी क्रिएटिविटी। तो क्या है ना, मेरा भाई का स्कूल का प्रोजेक्ट था, तो मैं जस्ट उसे फिनिश करी थी। उसे ड्राइंग आती नहीं है। मम्मी मेरे मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कलर बच गया है, क्या करूँ इसका। मैंने बोला, तेरी वॉल पेंटिंग जो है ना, उसमें कुछ क्रिएटिविटी डाल और तेरे फ्रेंड्स को बता। और ऐसे मत कर, अपने कुछ भी कर दिए ना तू, तो अपने फ्रेंड्स को बता, बोल भी कुछ करेंगे। तो ये देखो, मैंने हार्ट में कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा मेरे को, बोल सकूंगा मैं ना, मैं गिर गई थी। 10 सेकेंड बहुत हिलता है मेरा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हार्ट है बना हुआ, तो मैंने उसमें अभी ही रेड आउटलाइन की। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, तो अभी जो हार्ट है ना, उसमें मैं थोड़ा सा ऑरेंज से कुछ कर रही हूँ, लाइटिश ऑरेंज है थोड़ा सा, तो जैसे मैं इसे फैला पूरा नहीं करना, मेरे को जहाँ जहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ पे करनी थी, फिर वापस लाइट कर दिया ना, तो पूरा करने से अपना कलर नहीं करना। मैं जहाँ जहाँ पे लाइट व्हाइट व्हाइट दिख रही, फिर वहाँ वहाँ पे भी कर रही हूँ छोटे 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 थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा व्हाइट, फिर यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा व्हाइट, व्हाइट थोड़ा थोड़ा। ओके, तो नाउ हम बढ़ते हैं, तो अभी हम करेंगे ये वाली वॉल पेंटिंग जो मेरे आपके पीछे है। तो मैं तब तक उसके लिए जो पतला ब्रश आता है वो लेके आती हूँ, और झाड़ा ब्रश भी लेके आती हूँ। तो देखो मैं ये एक झाड़ा ब्रश लेके आई हूँ, इससे झाड़ा, इसका नंबर मैं सारे ब्रश के नंबर बताती हूँ पहले। तो इससे जब अभी मैं जब जिससे हार्ट पेंट कर थी, हार्ट को, उसका नंबर है 4, ठीक है। और जो ये झाड़ा ब्रश है ये वाला, उसका नंबर है 7, और इसका नंबर है 3, ठीक है। देखो आपको ये मैं बताती हूँ खुद, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 लिखा हुआ, थोड़ा सा डल है स्क्रीन पर, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और फिर यहाँ पे लाइन पे 4 लिखा है, ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा, और इसमें तो 7 ही लिखा है, आपको दिख जाएगा थोड़ा, देखो इसमें तो दिख गया मेरे को भी। छोड़ो, अब मैं कैमरा वहाँ पे लेके जाती हूँ, और हम इस साइड की पेंटिंग शुरू करते हैं। देखिए ग्रीन इंडिया वाला, तो वहाँ पे हम जाते हैं पेंट्स लेके पूरा। अब हम यहाँ से पेंटिंग वही ठीक कर देते हैं, अभी यहाँ पे जो पेंटिंग है वो ठीक नहीं है, वो जो दूसरी पेंटिंग है वो ठीक ही है। अब देख रहे ना, मैंने सारी जो क्या बोलते हैं सारी क्या है, इसकी सारे मैंने शॉर्ट वीडियोस डाले, देखना बहुत भूल रहा है, हमेशा ले देती है। अब मैं इसे बंद कर देती हूँ, ग्रीन में रखा है, पता नहीं क्या क्या मम्मी से जिद कर रहा है, जल्दी क्या बड़बड़ रहा था। हाँ तो छोड़ो, पहले चलो डार्क ग्रीन को एकदम अच्छे से हम ब्लेंड कर लेते हैं, फिर इसमें हम डालेंगे मैं लाइट ग्रीन। देखो थोड़ा सा मीडियम टाइप बनाना है, ऐसा मीडियम, तो बहुत ज़्यादा डार्क है, मैं आपको बताती हूँ बहुत ज़्यादा डार्क है इसे। जाएगा देख लो कितना ज़्यादा डार्क है, इसमें मिलाऊंगी लाइट ग्रीन, तो मिल रहा है वो ब्लू हुआ था, मेरे को से लगा कि लाइट ग्रीन से पसंद था, तो मैंने चलो इसे नीचे मिल जाते हैं, चिंटू सा लाइट ग्रीन मिलाना है उसमें, पत्तों का कलर, पत्तों का कलर कुछ कुछ पत्तों में डार्क ग्रीन ही होता है, कुछ कुछ बोला है, कुछ कुछ पत्तों में, और मेरा फ्रेंड नीचे घूम गया है, इस
के सामान लेने हैं, लीफ लेने के लिए। तो पता नहीं क्या हो गया उसके साथ कि बेचारा बच्चा अज्ञान से कुत्ता होगा, कुत्ता तो कल इतना हट 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 कर रहा था। तो मैं इसे अभी बुलाती हूँ। ओके, कलर में थोड़ा ही फर्क पड़ा है। बिफोर आफ्टर मैं कैसे बता सकती हूँ, कुछ आफ्टर हुआ ही नहीं है। क्या कर रहा है नीचे टाइम पास, और मैं थोड़ा ब्राइटनिंग और हाल पड़ रही है, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है, पहले जैसा ही तो है। मैं आपको बिफोर आफ्टर बता देती हूँ, फिर बिफोर आफ्टर बताऊँगी। तो चलिए मिला देती हूँ, फिर मैं थोड़ा पानी लेके भी मिलाना पड़ेगा, उसमें लाइट ग्रीन के स्टेन्स आते हैं। ओके, अब फर्क पड़ा है तो मैं उसकी डब्बी और ये बताती हूँ। ये है वो पेंट और ये है वो डार्क ग्रीन, बहुत फर्क हो गया है। अब चलो पेंट करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और लग रहा है ऊपर ही पेंट करने लगे। तो जस्ट फिर और दिख रहा है उसको मैं आउटलाइन कर रही हूँ। सॉरी फॉर द नॉइस, मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे क्योंकि ये मेरा घर थोड़ी ना है कि मैं उनको मना करूँ, नीचे की व्हीकल जैसा। सॉरी ना, अभी कोई वीडियो में नहीं होता, ये एक ही वीडियो में हुआ है पहली बार। अब मेरे को बता दो, मैं उनको मना थोड़ी कर सकती हूँ कि हटो यहाँ से, मैं शूटिंग कर रही हूँ। बड़ा मतलब कुछ आवाज में मुझको ना गई का छोड़ मैं नाम बोल दी, ऐसे तो नहीं करता। तो एक ही वीडियो में होना चाहिए, फिर मैं इस और को करूंगी थोड़ा ऊपर। मैंने डेली रूटीन बताऊंगी अगर थोड़ा सा आपको बोल सकती हूँ, मतलब बता नहीं सकती डेली रूटीन। मेरा शेड्यूल है मतलब लिखा हुआ, तो मैं अभी आपको बताती हूँ ट्वेंटी करने के बाद। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको कलर नहीं करनी मैं फिर, कि ऊपर से लाइट ग्रीन लगाना और नीचे। अब ब्लू को भी हम आउटलाइन करेंगे इस बार, ब्लू को तो आ गया। तो अभी जो आप देख रहे हो मेरा अर्थ, वो अभी हो जाएगा ऊपर वाला अर्थ। चलो थ्री और मैजिक से कर लेते हैं, 3 2 1 ट्विंक। अब देख सकते हो इतना अभी डार्क डार्क हुआ है। अब हम करते हैं लीफ। तो मेरे को लगता है लीफ को हमें फुल डार्क करना पड़ेगा, और लीफ ज़्यादा है। चलो हम दो तीन लीफ छोटे छोटे और बना देते हैं कि मैं लीफ को पेंट करके नहीं बैठ पाती। ये हो गया एक लीफ, ये हो गया एक लीफ। कलर करने के लिए हैवी मैंने पेज भी मिला प्रोजेक्ट के लिए, मैंने बुलाया और मैंने बोल दिया, और मैंने टाइम पास में भी यूज़ करती रहती हूँ, मतलब ड्रॉइंग्स में वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला था सिर्फ रेड से क्रिएशन करना, रेड और ऑरेंज जो प्रोजेक्ट में किया, मैं तो कौन से सारे कलर बना बना के कर रही हूँ। अरे मैं ग्रीन ही तो बनाया, और कौन सा कलर बनाया।
आ जाते हैं हमारा नीला, हमें तो मालूम नहीं कि उसके ग्रास के लिए मैंने लिया था और उसमें उसमें सच्ची ग्रास बना था, हमने उसको घोड़ा मेरे भी तो मम्मी ने बोला था रेड से क्रिएशन मम्मी से मैंने उसको घोड़ा है मम्मी से रेड से क्रिएशन बोला था बच रहा है, थोड़ा थोड़ा बच रहा है तो मैं ये बोल रही थी तो मैं यहाँ पे अच्छे से छोटा सा तो सॉरी फ्रेंड्स, मेरी दादी को पता नहीं था तो सॉरी हाँ गुड बाय सॉरी प्लीज सॉरी हाँ। तो अभी मैं जो मेरी क्रिएशन कर रही हूँ कर रही थी तो मैंने लगा कि मम्मी ये आपको पता है ग्रीन और ग्रीन का कलर येलो में लाइट कौन सा मिलता है, चलो एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं। तो मैंने ग्रीन मिला लिया और मैंने ग्रीन और येलो कलर को मेरे पास और ये ब्रश को भी ग्रीन आ गया है और जो कलर बनेगा उससे हम मेरा कुछ क्रिएशन करते हैं, देखते हैं क्या क्रिएशन करेंगे क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाने से कुछ तो बनता है बनता है बनता है, जैसे पिंक और वाइट को मिलाने से पिंक और रेड से मिलाने से सॉरी वाइट और पिंक से मिलाने वाइट और रेड से मिलाने से पिंक आता था, वैसे ही उसमें सिर्फ रेड ही प्राइमरी था, वाइट तो प्राइमरी होता ही नहीं है, वाइट तो पता नहीं कैसे बना देता है मेरे को कौन से कलर, पिंक एक ही प्राइमरी कलर से बना रहता है तो जस्ट देखते हैं एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर से कौन सा कलर बनता है। ओके डिफरेंस नहीं है, ये ग्रीन ही बना है कि मैंने बोला था डार्क ग्रीन है वो, तो एक काम करते हैं अभी हम डार्क ग्रीन का कुछ नहीं करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।